ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दो दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएमएफ व जिला स्तरीय विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ फंड के कार्यों की भी समीक्षा की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। आज हमारा जगदलपुर में, जगदलपुर जिला में ये हमारा रूटिंग बैठक होता है। दो तीन महीना में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के योजना मैदान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इस बात से कुछ ही हूँ कि आज इस साल दो धान बिक्री हुआ है, चार गुना ज़्यादा बढ़ा है। खाली बस्तर के बात कर रहा हूँ, बस्तर में चार गुना धान इस साल बढ़ चुका है। और सभी हमारा जनप्रतिनिधि लकेश्वर बघेल हो चाहे चंदन कश्यप हो, ये बोल रहे थे कि पैसा बैंक से नहीं मिल रहा है। हम बैंक वाला को पूछा, हर रोज 4 करोड़ हमारा लिमिट है जो शासन से वो बैंक का नियम एक होता है, उस नियम के आधार पर हम लोग 4 करोड़ रोज दे रहे हैं। कितना बड़ा खुशी है एक आदिवासी किसान के पास। ये तो आदिवासी नहीं, आम आदमी चाहे व्यापारी हो सामान्य आदमी हो, सब लोग किसान होता है, उनको रोज 4 करोड़ रुपया बैंक से निकल के ले जा रहे हैं। तो दान करी थी डबल हुआ है, और दान करी थी जो केंद्र को लेना पैसा में इतना बैंक में भीड़ आ रहा है, खाली पैसा निकलने में। अगर वो जो बीजेपी के सरकार में केदार के सरकार में जो बैंक जो सोसाइटी खोले थे 15 साल में एक दान करी थी केंद्र नहीं खोले। हम लोग जगह जगह पे केंद्र खोलने के बाद दान करी थी में कोई दिक्कत नहीं आया, ना उठा में दिक्कत आया, ना बेचने वाला को दिक्कत आया, अभी पैसा लेने वाला को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। हम लोग लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहे। और उसके साथ साथ एक नया योजना हमारा मुख्यमंत्री ने लागू किया है, जितना भी आश्रम हॉस्टल स्कूल हाई स्कूल से लेके जो जर्जर हुआ है पिछले सरकार को के कारण जर्जर हुआ है, 1000 करोड़ प्रदेश में दिया हुआ है, उसको तत्काल अगले स्कूल सत्र के समय से पूरा स्कूल को मरम्मत करने लायक तो मरम्मत करना है, और एकदम जर्जर है तो नया बनाना है। ये पहला योजना, उसका पैसा पहुंच चुका है, इसको भी लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात का भी खुशी हूं कि जगदलपुर में 75 साल होने के बाद एसआर नगर निगम नगर पालिका से नगर निगम तक हुआ, यहाँ आंगनबाड़ी पूरा नहीं, यहाँ सोसाइटी दुकान किराए में चल रहा था। मैं हमारा विधायक से भी मैं थोड़ा सुझाव दिया हूँ कि इस साल हम लोग यहाँ दान केंद्र भी जो खरीदी के क्या सवाल बिकने वाला क्या बोलते हैं पीडीएस दुकान भी खोल रहे हैं, आंगनबाड़ी नया बना रहे हैं, ये हाल बना के रखे थे पिछले सरकार। हम इस बात का खुशी है कि अभी पूरा बस्तर जिला में 1985 आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें 100 बच्चा है। इस मार्च तक पूरा आंगनबाड़ी मुक्त जिला बनाऊंगा। मैं हर समीक्षा बैठक में बोल रहा हूँ हमारा मुख्यमंत्री का नाम रोशन हो, यह आंगनबाड़ी मुक्त जिला हो, भवन मुक्त, ये सारे योजना को ऐसा समीक्षा बैठक आने से विधायक लोग कुछ सरपंच लोग खुद जो कनिज चला रहे उन लोगों को भी समिति में शामिल किए, और हमारे जो आयोग के मेंबर लोग को भी समिति की शामिल किए। इसलिए पारी पारी अधिकारी लोग से सवाल करने का और काम को पूरा करने का एक माध्यम होता है, तो इसलिए विधानसभा जैसे प्रदेश का बात उठता है जिला में एकदम कोना स्तर में हम लोग इस बात का भी है। मेरे को खुशी है कि साल जो वृद्धा पेंशन वो भी बढ़ा है, उसको शिविर लगा के हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़ा है। और जो भूमिहीन किसान और चीरा गुनिया मोरिया आठपरिया 6000 लोग इसी जिला में,
6000 लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना से पैसा मिल रहा है, तो इसलिए आज अधिकारी लोग भी बहुत तैयारी के साथ आए थे, हमारे नेता लोग भी बहुत तैयारी के साथ आए थे, इसलिए अच्छा प्रचार सब हुआ है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।